श्री बबूता सिद्ध जी महाराज पावन कसुम्बी धाम की महिमा अपरंपार है। आज कसुम्बी ही नहीं सैकड़ों गांवों की आस्था का केंद्र है ये। तो सर्वप्रथम हम बबूता सिद्ध जी महाराज की धोक लगाते हैं। बबूता सिद्ध जी महाराज के दिव्य कार्यक्रम जो कि आगामी अभी आसोज सुधी षष्ठी को होने वाला है यहाँ, जिसमें सभी गांववासी और आसपास के गांववासी 15 से 20 हजार लोगों का ये कार्यक्रम होगा और प्रसिद्ध कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पर देंगे। दिनांक 14 अक्टूबर 2018 को ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसमें आप जरूर पधारें और यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार सोनू जोशी एंड पार्टी नोखा से पधारेंगे और संपत जी उपाध्याय एंड पार्टी बीकानेर से, अनिल सेन, तुलसी राम जी दौलत गरवा एंड पार्टी नागौर, कल्पित चौधरी एंड पार्टी जोधपुर, ताराचंद माली एंड पार्टी जोधपुर, लब्दू एंड पार्टी, अनेकों अनेक राजस्थानी भजन संध्या एवं नृत्य कार्यक्रम और हास्य नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति को आप KDA चैनल पर भी लाइव हमेशा के लिए देख सकेंगे। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ पर ग्रामवासी हमारे साथ में इस विशाल कार्यक्रम जागरण और भजन संध्या के कार्यक्रम की विशेषताएं जानने के लिए हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए और पूरी तरीके से सुंदर ढंग से पेश करने के लिए लगातार ग्रामवासी जो यहाँ पर लगे हुए हैं इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में। आइए हम, हमारे साथ भी अभी कुछ कार्यकर्ता हैं, हमसे उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई है? इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए तो कुछ फुल साफ़ सफाई वगैरह की गई है और प्रचार करता जा रहे हैं और जो भी काम हो रहा है उसको सही तरीके से ढंग से करते जा रहे हैं। और ये लगातार कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम काफ़ी सालों से हो रहा है, पिछले साल यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हुए? पिछले साल वैसे ही राजस्थानी लोक नृत्य और बहुत अच्छी महाराज की जीवन गाथा के बारे में कितनी संख्या में भीड़ हुई और अब की बार कितनी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है? पिछली बार 10-12 हजार हुई थी, इस बार 10-15 हजार होगी। पानी की, चाय की, टेंट की सब सुविधा हम रखते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी आता है, आसपास के एरिया से गाड़ियां बसें भी लगाते हैं और विशाल जागरण होता है। बिल्कुल, यहाँ इस जो कार्यक्रम है, ये जो जागरण है, भजन संध्या है, इसके सहयोग में क्या सभी ग्रामवासी मिलकर के कर रहे हैं या किस तरह से? एक कसुम भी सेवा समिति हमारी बनाई हुई है और बाकी सहयोग पूरा गांव का रहता है। व्यवस्था सभी गांव के लोग मिलकर के सभी व्यवस्थाएं मनाते हैं। यहां पर मुख्य रूप से जो यहां आकर्षण होता है इस कार्यक्रम का, उसके बारे में बताएं। यहां बबूता सिंह जी की ही जोत होती है 6 बजे और 8 बजे हम जागरण शुरू करते हैं। बबूता सिंह जी कालनाडी धाम के पास के गाँव के हैं, जो बबूता साहब जी की जीवनी कहते हैं और पूरा उनको जानकारी है। उसके बाद अनिल जी सेन है जो नागौर से हैं, उनके साथ तुलसीराम जी, दौलत जी गरवा एंड पार्टी नागौर से हैं, कल्पी चौधरी जोधपुर से हैं, ताराचंद माली जोधपुर से, और नाट हास्य कलाकार है लब्दू जिसे कहते हैं, और भी कई कलाकार आते हैं बड़े बड़े राजस्थान के जो मानी सम्मानीय कलाकार आते हैं, सोनू जी जोशी आती है नोखा से, ऐसे करके बहुत कलाकार आते हैं। हम सभी भक्तजन से निवेदन है कि 14-10 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और जागरण का आनंद लें। यह है बड़गुजर मार्केट है, इसी मार्केट के जो पीछे यहाँ बीच में गेट बना हुआ है आप देख सकते हैं, यहीं पर ये कार्यक्रम है। इसके पीछे पूरा बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर भव्य व्यवस्थाएं, साफ सफाई और टेंट की शानदार व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा इस बड़गुर्जर मार्केट के ठीक पीछे ही। और हाँ दोस्तों, हमारे इस KDA सुजानगढ़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप इस तरह के अनेक कार्यक्रम इसमें देख सकें। और सुजलांचल के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की इतिहास की जानकारियों से भरे वीडियो भी इस चैनल में उपलब्ध हैं।